हेलो गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का ट्यूटोरियल नंबर 11। अगर आप ट्यूटोरियल नंबर 10 नहीं देखें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम टूल्स मेनू के बारे में जानेंगे, टूल्स मेनू के एक एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे। ओके, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहिए, ठीक है, और मैं आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें लिखा है यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन दिया है स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका शॉर्टकट की यहाँ पे दिया है F7। ओके, तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर लिया पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर। ओके, इसका शॉर्टकट की है F7। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से F7 बटन भी प्रेस कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो F7 जो है ये एक फंक्शन की है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया फंक्शन की। ओके, तो F7 क्या है, F7 एक फंक्शन की है। ओके, तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ नाम टाइप कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। ओके, ये मैंने टाइप किया नाम, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स कर दी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर में जो है यहाँ पे मैंने यू को बैक कर दिया, इसके बाद एजुकेशन में यहाँ पे मैंने ए को बैक कर दिया, इसके बाद जो सेंटर है इसमें यहाँ पे मैंने ई को बैक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा ये वर्ड है इसमें मैंने यहाँ पे स्पेलिंग को मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। अगर किसी वर्ड के नीचे आपको अगर यहाँ पे रेड कलर शो कर रहा है, ठीक है, रेड अंडरलाइन शो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी तो इसमें आपको रेड कलर दिखेगा। ओके, अगर मान लीजिए आप में अगर ग्रामर मिस्टेक है तो ग्रामर के लिए आपको इसमें ग्रीन कलर दिखता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रामर, ग्रामर में आपको ग्रीन कलर दिखेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, इसके नीचे यहाँ पे अंडरलाइन दिया है यहाँ पे रेड कलर का, इसके बाद यहाँ पे जो रेड लिखा है मैंने यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे दिया ग्रीन कलर का, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर लिखा है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, और जो यहाँ पे रेड लिखा है ये यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है। अब ग्रामर में क्या मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने दो बार स्पेस लगा दिया है, अगर एक बार मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ बैक स्पेस बटन से तो ये ग्रामर मेरा सही हो जाएगा। ओके, तो जो रेड कलर होता है ये होता है स्पेलिंग के लिए, और जो यहाँ पे ग्रीन कलर है ये होता है ग्रामर के लिए। ओके, तो अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको जाना है यहाँ पे टूल्स मेनू में, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, तो मैंने एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर का यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप चाहें तो शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, इसके बाद मैंने प्रेस किया अपने कीबोर्ड से F7 बटन। ओके, तो अगर आप लैपटॉप के कीबोर्ड से F7 प्रेस करें तो आप अपने कीबोर्ड से FN का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, और आप अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड से करें तो आप डायरेक्ट F7 बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके, ये करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये जो कंप्यूटर आप लिखे हैं इसमें यहाँ पे जो है इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे कुछ सजेशन भी दिया है, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, इसके बाद यहाँ पे दिया है कॉप्टर, इसके बाद यहाँ पे दिया है कॉम्पियर, इसके बाद आपको जो भी यहाँ पे स्पेलिंग आपको वहाँ पे लगानी है, ठीक है, उस स्पेलिंग को आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लिया। कंप्यूटर को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से चेंज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आप कंप्यूटर नाम टाइप किए हैं ये ऐसे ही रहे, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इग्नोर वंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एक करके यहाँ पर इग्नोर होता जाएगा, अगर आप इग्नोर ऑल कर देंगे तो ये पूरे एक बार में इग्नोर हो जाएगा। ओके, इग्नोर मतलब होता है जान बूझ कर अनदेखा करना। ओके, तो मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर नाम को सेलेक्ट किया, इसके बाद मैंने इसके ऊपर यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर आप चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक एक करके सभी का चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे चेंज आल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बार में सभी का चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक एक करके चेंज किया, तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर नाम सेलेक्ट किया, इसके बाद मैंने यहाँ पर चेंज के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये देखेंगे तो यहाँ पर ये स्पेलिंग इसकी चेंज हो गई है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि नेक्स्ट जो आप एजुकेशन लिखें इसका भी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे सजेशन दे दिया, ठीक है, तो आपको जो भी स्पेलिंग है इसमें से आपको सही लग रही है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट यहाँ पे एजुकेशन ये सही लिखा है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसके बाद यहाँ पर
चेंज के ऊपर क्लिक करना है, तो ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे दिया सेंटर, तो सेंटर यहाँ पे इसका भी यहाँ पे नीचे सजेशन दिया, यहाँ पे जो सेंटर आप लिखें इसका भी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे सेंटर की जो स्पेलिंग होती है ये दो होती है, यहाँ पे होती है पहली होती है यहाँ पे सी ई एन टी आर ई, इसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है सी ई एन टी ई आर। ओके, तो मैंने यहाँ पे सी ई एन टी ई आर को सेलेक्ट किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। ओके, इसके बाद ये कह रहा है कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीट, तो ये कह रहा है कि जो आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर थी ये सक्सेसफुली आपकी चेक हो गई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन से आप किसी भी स्पेलिंग और ग्रामर को सही कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इसमें मिलेगा रिसर्च का। ओके, तो रिसर्च का यहाँ पे शॉर्टकट की दिया है अल्ट प्लस क्लिक, तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया रिसर्च। ओके, तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया रिसर्च, रिसर्च का शॉर्टकट है अल्ट प्लस क्लिक। इसका मतलब ये है कि आपको अपने कीबोर्ड से ए एल टी अल्ट का बटन प्रेस करना है, इसके बाद आपको अपने माउस से एक बार यहाँ पे पेज के ऊपर यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अल्ट को दबाया, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक कर दिया। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में खुल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा है रिसर्च, ये यहाँ पे खुल गया है। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे टूल्स मेनू के अंदर जाकर यहाँ पे रिसर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे राइट साइड में ऑन हो जाएगा। ओके, तो रिसर्च में आप लिखा सर्च फॉर, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके कोई भी आपको एक मीनिंग टाइप करना है। ठीक है, तो जो मीनिंग आप यहाँ पे टाइप करेंगे उसी का रिलेटेड सब मीनिंग यहाँ पे नीचे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे टाइप किया गुड, इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट सर्चिंग के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जब मैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सर्च कर कर नीचे यहाँ पे आपको रिजल्ट शो कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है सर्चिंग, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, ये कुछ देर में यहाँ पे सर्च करके आपको दे देगा। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने गुड टाइप किया था, गुड से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे, ठीक है, वो सब के सब यहाँ पे आ गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, इसके बाद फर्स्ट क्लास, इसके बाद यहाँ पे फाइन, इसके बाद यहाँ पे दिया है एक्सेलेंट। ठीक है, तो ये सब गुड से रिलेटेड वर्ड हैं, तो ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा भी वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पे वर्ड आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया नाइट, नाइट टाइप करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट सर्चिंग के ऊपर क्लिक करके इसको सर्च कर दिया। ओके, तो सर्च करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे रिजल्ट इसका शो हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी यहाँ पे नाइट का भी यहाँ पे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे सब आ गए। यहाँ पे जैसे नाइट टाइम, इसके बाद यहाँ पे दिया है आवर ऑफ डार्कनेस, डार्क डार्कनेस, इसके बाद यहाँ पे डे। ओके, तो ये सब जो है ये सब नाइट से रिलेटेड वर्ड है। ओके, तो आप रिसर्च ऑप्शन से एक वर्ड का कई सारा वर्ड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा रिसर्च ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आप यहाँ पे जाकर सेट लैंग्वेज में यहाँ पे अपने लैंग्वेज की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करें, ठीक है, ये सब आपका यहाँ पे US में टाइप हो रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे UK भी सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे ओके करके आप UK में भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो UK होता है, UK में यहाँ पे जो सेंटर की स्पेलिंग होती है वो होती है सी ई एन टी आर ई होती है। ठीक है, और जो हम US में टाइप करते हैं ओके इंग्लिश US में, वो होता है सी ई एन टी ई आर। ओके, जो हमारा कंप्यूटर यूज करता है, ठीक है, वो इंग्लिश US यूज करता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो आप चाहें तो इसको इंग्लिश UK या तो US में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सेट लैंग्वेज ऑप्शन से। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा वर्ड काउंट का, तो आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वर्ड काउंट का एक डायलॉग बॉक्स खुलकर दिख जाएगा, और यहाँ पे लिखा है पेजेस, तो यहाँ पे कह रहा है कि पेजेस जो है ये कह रहा है 1। तो यहाँ पे जो आप पेज लिए, ठीक है, ये एक पेज है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज ही दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेज है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा है 1। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है वर्ड, इसमें जो आप वर्ड टाइप किए हैं वो सब के सब यहाँ पे 28 है। तो आप एक एक करके यहाँ पे, जैसे कि डोंट 1 हो गया, फॉरगेट 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3, इसके बाद यहाँ पे जो सब्सक्राइब लिखा है ये 4 हो गया, माई 5, यूट्यूब 6, ऐसे आप काउंट करेंगे तो यहाँ के पूरे आपके 28 होंगे। ओके, इसके बाद ये कह रहा है कि करेक्टर नो स्पेसिंग, तो जो आप यहाँ पे वर्ड टाइप किए, ठीक है, इसके एक एक अक्षर को अगर आप काउंट करेंगे तो ये सब के सब यहाँ पे 158 होंगे। ठीक है, और जब इसको आप काउंट करेंगे तो आपको स्पेस को काउंट नहीं करना है, ठीक है, वर्ली इन सभी वर्ड को, एक एक करेक्टर को आपको यहाँ पे काउंट करना है। ओके, इसके बाद यहाँ कह रहा है कि
कैरेक्टर विथ स्पेसिंग, अगर आप स्पेस को भी काउंट करना चाहते हैं तो स्पेस के साथ अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें 186 आपको सब मिलेंगे, ओके कैरेक्टर्स। इसके बाद इसमें कह रहा कि पैराग्राफ, इसके बाद यहाँ पे जो आप पैराग्राफ लिए ये सबके सब यहाँ पे 7 है, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1, इसके बाद यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो यहाँ पे ये 7 पैराग्राफ्स हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि जो लाइंस है वो लाइंस यहाँ पे 14 हैं, ठीक है। तो लाइंस देखिए, जैसे कि यहाँ पे 1, इसके बाद जो आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे कुछ अगर टाइप भी नहीं करेंगे तो इसका भी काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, इसके बाद ये 2, 3, इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, और यहाँ पे आपको भी यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे भी यहाँ पे 2 बार इंटर प्रेस होगा, देखिए यहाँ पे कर्सर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 बार इंटर प्रेस है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको बैक करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने बैक कर दिया स्पेस को, इसके बाद इस भी स्पेस को मैंने बैक कर दिया, इस वाले स्पेस को भी मैंने बैक कर दिया, तो ठीक है। तो सभी स्पेस को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बैक कर दिया। तो बैक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे जाना है वर्ड काउंट ऑप्शन में, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया टूल्स के ऊपर, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया वर्ड काउंट के ऊपर। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइंस जो इसमें है ये सब के सब यहाँ पे 7 है, तो आप काउंट कर सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ओके। तो जो वर्ड काउंट है, वर्ड काउंट का शॉर्टकट की है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस जी, ओके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, इससे होता है वर्ड काउंट, ओके। अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी बटन तो ये वर्ड काउंट का ऑप्शन खुल जाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ऑटो समराइज, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है, तो मैंने क्या किया, इन सभी वर्ड्स को यहाँ पे मैंने बैक कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू रैंड, ओके। तो मैंने यहाँ पे रैंडम कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, तो रैंडम टेक्स्ट लेने के बाद आपको यहाँ पे जाना है टूल्स में, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो समराइज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो ऑटो होता है, ठीक है, ऑटो समराइज ऑप्शन ये संक्षेप करने के लिए होता है, ठीक है। तो आप यहां से आप संक्षेप कर सकते हैं, तो मैंने यहां पे सेलेक्ट किया हाईलाइट की पॉइंट, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पे कह रहा है कि परसेंट आप ओरिजिनल, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, इसके बाद मैंने यहां पे 25% ले लिया, 25% लेने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका 25% यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया है, और जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्टेड वर्ड दिख रहा है, ठीक है, इसी का यहाँ पे सबका शब्द यहाँ पे डुप्लीकेट नीचे भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ओके। तो आप चाहें तो यहाँ पे 25%, या तो आप चाहें तो यहाँ पे 30%, 35%, 40% भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्ड आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसी का यहाँ पे डुप्लीकेट सबका सब यहाँ पे नीचे भी रहेगा, ओके। तो मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ये था ऑटो समराइज ऑप्शन, जिससे आप किसी भी वर्ड का संक्षेप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको ट्रैक चेंजेस का, ओके। तो ट्रैक चेंजेस में देखिए क्या होता है, ट्रैक चेंजेस का यहाँ पे शॉर्टकट की दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ओके। तो मैंने यहाँ पे नीचे टाइप कर दिया CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ई, इससे होता है ट्रैक चेंजेस, ओके। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया ट्रैक चेंजेस, ओके। तो देखिए ट्रैक चेंजेस ऑप्शन से क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप रिज्यूम बना रहे हैं, ठीक है, और रिज्यूम बनाते वक्त मान लीजिए आपको किसी कारण से आपको कहीं जाना पड़ा, ठीक है, कहीं बाहर जाना पड़ा, तो मान लीजिए आप यहीं पे आप इसको छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इसको छोड़कर जाएंगे अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टूल्स में जाएंगे और आपको यहाँ पे क्लिक करना है ट्रैक चेंजेस के ऊपर। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो इसका ये टूल ऊपर खुल जाएगा और एक ट्रैक चेंजेस जो है आपका ये ऑन हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो ट्रैक चेंजेस है ये ऑन हो गया, ठीक है। तो अब जो भी यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए आकर कुछ टाइप करता है यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ कोई भी कुछ यहाँ पे टाइप करेगा तो ये सबका सब यहाँ पे रेड कलर में टाइप होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई कुछ टाइप कर दिया, इसके बाद इसको किया सेलेक्ट कोई और इसको बैक कर दिया, तो ये सब यहाँ पे आपको डिलेटेड कमेंट में दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए इसमें कुछ बीच में यहाँ पे कोई टाइप कर दिया, इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया और यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, ठीक है। और आप मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे ये टाइप कर दिया, तो अब देखिए अगर आप ट्रैक चेंजेस ऑन किए रहेंगे, ठीक है, तो इसको आप पूरे के पूरे यहाँ पे बैक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा यहाँ पे कोई एडिट कर देता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा बार कंट्रोल प्लस जेड बटन भी प्रेस नहीं कर पाएंगे, ओके। तो अगर आप ट्रैक चेंजेस ऑप्शन ऑन कर देंगे तो इसको आप तुरंत सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रैक चेंजेस आप ऑप्शन ऑन किए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे,
जब ट्रैक चेंजेस ऑप्शन आप ऑन करेंगे तो इसका एक टूल आपको यहाँ पे मिलेगा जिसका नाम है रिव्यूइंग टूल। ओके, मान लीजिए आपसे ये यहाँ पे ये टूल बार क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे इस खाली वाले रिबन पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, माउस से राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम दिखेगा रिव्यूइंग का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ये टूल बार यहाँ पे ऑन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके कर सकते हैं, या तो अगर आपसे राइट क्लिक नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे व्यू मेनू में जाकर यहाँ पे टूल बार्स में जाकर आप इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे रिव्यूइंग दिया है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ पे टूल खुल जाएगा, और जब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक डिलीट का आइकन दिया, देखिए यहाँ पे डिलीट का आइकन है, ठीक है। तो डिलीट के आइकन के राइट साइड में आपको यहाँ पे एक सेलेक्टर दिखेगा, ठीक है। तो आपको इस सेलेक्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइट में दिया है, और यहाँ पे सब के सब यहाँ पे क्या है, हिडन है। तो यहाँ पे लिखा है रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, ये कह रहा है कि जो भी इस डॉक्यूमेंट में चेंज किया गया है, ठीक है, उन सभी को अगर रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो जब भी आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सब का सब यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, और जो आप पहले टाइप किए थे वो सब का सब आपका यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन आप जब भी यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये सब का सब अभी भी यहाँ पे रेड कलर में ही टाइप होगा, क्योंकि आप ट्रैक चेंजेस को यहाँ पे डिलीट किए थे, इसको अभी बंद आप नहीं किए थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक कर दिया, इसके बाद मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का एक ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं, या तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे टूल्स मेनू में जाकर ट्रैक चेंजेस के ऊपर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, और जब भी आप अपने टाइप करेंगे तो ये ब्लैक कलर में टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट का। ओके, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, और मर्ज मतलब होता है मिलाना, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट को आप एक डॉक्यूमेंट में मिला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये लिखा है डॉक वन, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे मर्ज कर लिया। तो जब आप यहाँ से मर्ज करेंगे तो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट एक ही मिल जाएंगे, और जो आप यहाँ पे डॉक वन की फाइल ओपन किए थे इसमें कुछ टाइप नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये खाली दिख रहा है, और जो आप पहले अपना पेज स्टार्ट किए थे उसका यहाँ पे सब का सब यहाँ पे आपको डिलीटेड कमेंट में दिखेगा। ओके, ये है कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन। ओके, तो मैं एक बार फिर से इसको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको। तो मैंने इसको फिर से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है टूल्स में, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप मान लीजिए कहीं भी यहाँ पे आप एमएस वर्ड की फाइल रखें, जैसे कि मान लीजिए आप डेस्कटॉप पे रखें, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर सकते हैं, इसके बाद माई डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे माई कंप्यूटर में जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ पर भी रखें वहाँ पर आप उस लोकेशन पर जाइए। तो मैंने यहाँ पे रखा है HTML कोडिंग्स में, तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक रिज्यूम नाम से मैंने फाइल बनाकर रखा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद मैंने इसको मर्ज के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मर्ज हो गया, और यहाँ पे लिखा है वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक देव, और यहाँ पे ये शो हो रहा है, और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला जो पेज ओपन था इसका यहाँ पे डिलेटेड कमेंट में आपको सब दिखेगा। ओके, तो ये है कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ओके, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो ऑप्शन है ये राइट साइड में खुलता है, ठीक है, पेज के राइट साइड में। तो प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट मिलेगा आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, इसके बाद यहाँ पे मिलेगा दूसरे नंबर पे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, इसके बाद आपको थर्ड में यहाँ पे मिलेगा स्टार्ट इनफोर्समेंट। ओके, तो आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है लिमिट फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको चेक लगा देना है, इसके बाद आपको यहाँ पे एडिट में जाकर आपको यहाँ पे भी इसको अलाउ कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जो तीसरा ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे लिखा है यस स्टार्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे यस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पासवर्ड, और दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा यूजर ऑथेंटिकेशन। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया पासवर्ड, और पासवर्ड में आपसे यहाँ पे फर्स्ट में पूछेगा इंटर न्यू पासवर्ड ऑप्शनल। ओके, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड पुट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 123। ओके, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि री इंटर पासवर्ड टू कंफर्म, इसके बाद आपको यहाँ पे इसको कन्फर्म करना है। तो मैंने डाला था ऊपर 123, तो नीचे भी आपको 123 ही डालना है, ठीक है।
तो जो भी आप यहाँ पे ऊपर वाले में पासवर्ड अपना डालेंगे वो सब आप यहाँ पे नीचे वाले में भी आपको डालना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो जब आप वहाँ से ओके करेंगे तो जो आपका कीबोर्ड है वो लॉक हो जाएगा। तो आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये टाइप नहीं होगा, ठीक है। आपको बस इसी पेज के ऊपर आप टाइप नहीं कर सकते, अगर आप न्यू पेज लेते हैं तो उसके ऊपर आप टाइप कर पाएंगे, ठीक है। तो जो हमने प्रोटेक्शन लगाया था वो ओनली इसी पेज के ऊपर लगाया था, इसलिए यहाँ पे कुछ टाइप नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे एक मैसेज भी दे रहा है, यहाँ पे लिखा है दिस मोडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकाउज, इसके बाद यहाँ पे लिखा है द डॉक्यूमेंट इज लॉक्ड, ओके। ये कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आपका है, ठीक है, इस पर आप यहाँ पे कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये डॉक्यूमेंट आपका लॉक है, ओके। तो इसको अनलॉक करने के लिए आप यहाँ पे टूल्स मेनू में जाइए, इसके बाद आप यहाँ पे अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट का खुला था, इसके नीचे भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉप प्रोटेक्शन का, ओके। तो आपको यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन या तो अनप्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है टूल्स के अंदर जाकर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉप प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक किया, इसके बाद ये कहेगा पासवर्ड, तो आपको वही पासवर्ड पुट करना है जो पासवर्ड आप वहाँ पे डाले थे। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 डाला था, इसलिए मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 1 2 3। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब जो भी आप यहाँ पे वर्ड टाइप करेंगे वो सबका सब यहाँ पे टाइप होगा, ओके। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन से आप अपने कीबोर्ड को लॉक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा लेटर एंड मेलिंग्स का, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा है मेल मर्ज, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है टेबल में, टेबल मेनू में जाने के बाद आपको जाना है इंसर्ट में, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे टेबल्स में। इसके बाद ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे आपको जितने भी कॉलम लेना है, ठीक है, उतना आप यहाँ पे नंबर टाइप कर दीजिए। तो मुझे चाहिए 3 कॉलम, इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 3। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे ज़्यादा नंबर भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ रो, इसके बाद ये कह रहा है कि आप रो कितना लेना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे रो चाहिए 3 रो, ठीक है। तो मुझे 3 कॉलम और 3 रो चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 3 टाइप कर दिया। ये करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑटो फिट बिहेवियर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको ऑटो फिट टू विंडो कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया ऑटो फिट टू विंडो, इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना, तो ये यहाँ पे टेबल बन जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो फर्स्ट है इसमें मैं टाइप करूँगा नेम, इसके बाद जो सेकेंड है इसमें मैं किसी का एज टाइप करूँगा, इसके बाद जो थर्ड है इसमें मैं मार्क्स टाइप करूँगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके कोई भी नाम टाइप कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया राम। इसके बाद मैंने इसका एज यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 30 कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो इसकी मार्क्स है वो मार्क्स मैंने यहाँ पे मान लीजिए 445 कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा नाम है मैंने यहाँ पे श्याम कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे श्याम का जो एज है, ठीक है, यहाँ पे कुछ दूसरा डाल दिया, तो मैंने इसका 25 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे जो इसका मार्क्स है ये मैंने यहाँ पे 450 कर दिया। तो देखिए ये टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। ये टेबल बनाने के बाद आपको इस टेबल को सेव कर देना, ठीक है। तो सेव करने के लिए आपको जाना है फाइल मेनू में, इसके बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया टेबल, ओके। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया टेबल, इसके बाद मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये सेव हो जाएगा, ओके। तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके एक नया पेज ले लेना है, ठीक है। खाली पेज लेना है, ठीक है, ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है, ये लेना आपको ज़रूरी है। अगर आप नया फाइल नहीं लेते हैं, ठीक है, तो आप मेल मर्ज ऑप्शन का यूज नहीं कर पाएंगे, ओके। तो आपको यहाँ पे एक न्यू फाइल लेना कंपलसरी है, ठीक है, ये ज़रूरी है लेना, ओके। तो न्यू फाइल लेने के बाद आपको यहाँ पे जाना है टूल्स में, इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है लेटर एंड मेलिंग, इसके बाद आपको मेल मर्ज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जो मेल मर्ज ऑप्शन है, ठीक है, इसके 6 स्टेप होते हैं, ठीक है, 1 of 6 steps, ओके। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है step 1 of 6। तो मेल मर्ज के 6 स्टेप होते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे मेल मर्ज के जो ऑप्शन है ये इसका यहाँ पे डायलॉग बॉक्स राइट साइड में आपके पेज के राइट साइड में खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 बार नेक्स्ट किया। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपने लोकेशन पे जाना है। तो मेरा जो लोकेशन था ये था डेस्कटॉप, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे फाइल को सेव किया था। तो
यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपका फाइल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना फाइल सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेल मर्ज का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओके का, तो आपको यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। तो ओके करने के बाद आपको नीचे से यहाँ पे फिर से आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद एक ऑप्शन फिर से आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ मिलेगा मोर आइटम्स का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो है इंसर्ट मर्ज फील्ड का एक ऑप्शन यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और आपको इन सभी को एक एक बार यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक किया, इसके बाद मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा पेज है इस पर ये नेम इंसर्ट हो गया। इसके बाद मैंने एज के ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट किया, इसके बाद मार्क्स के ऊपर क्लिक किया, इसके बाद मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो सभी पे एक एक बार क्लिक करके आपको एक एक बार इंसर्ट करना है। तो ये करने के बाद आपको नीचे से यहाँ पे इसको क्लोज कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेम के आगे क्लिक करना है, ठीक है। जो नेम के आगे यहाँ पे ग्रेटर देन है, इन सभी से पहले आपको क्लिक करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे टाइम टाइप करना है नेम। नेम टाइप करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर दीजिए। हम चाहते हैं कि नेम जो यहाँ पे टाइप है, ठीक है, यहाँ पे नेम टाइप रहे। इसके बाद यहाँ पे जो उसका नाम यहाँ पे है, ठीक है, दसरी जो नाम था मैंने यहाँ पे नाम डाला था राम श्याम, ठीक है, करके, तो जो वो भी नाम रहे, ठीक है, वो सबका सब यहाँ पे आए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है रहे नेम। आप चाहें तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इस बीच में क्लिक करना है। बीच में क्लिक करने के बाद आपको इसको इंटर प्रेस करके इसको नीचे लाना है, ठीक है। नीचे लाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट टाइप करना है एज, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एज। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करना है। टैब दबाने से ये सबका सब यहाँ पे ये इक्वल में यहाँ पे रहेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे इसके बीच में क्लिक किया, इसके बाद इंटर प्रेस और लास्ट यहाँ पे दिया है मार्क्स का, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स टाइप किया। इसके बाद टैब का बटन प्रेस करके इसको मैंने यहाँ पे इक्वल में कर लिया, ओके। तो जो आप यहाँ पे नेम, इसके बाद एज, यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं, ये सब के सब यहाँ पे नाम ऑलरेडी वहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर यहाँ पे नेम एज मार्क्स है, तो यहाँ पे आपका नाम, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल था राम, तो यहाँ पे राम दिखेगा, इसके बाद इसका एज दिखेगा और इसका यहाँ पे मार्क दिखेगा, ओके। तो ये सब सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे ये इसकी जो स्टेप्स है ये कंप्लीट हो गया। और ऊपर यहाँ पे लिखा है एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि मर्ज रिगार्ड्स ऑल, तो आपको यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो ओके आप जब यहाँ पे करेंगे तो आपका जो भी डाटा रहेगा, ठीक है, सबका सब यहाँ पे अलग अलग पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे दो नाम टाइप किया था, इसलिए मेरे यहाँ पे दो ही पेज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो राम है इसका यहाँ पे नाम और इसका जो पेज है ये सब अलग है। इसके बाद जो श्याम है इसका यहाँ पे पेज अलग है, ठीक है, देख सकते हैं आप। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये श्याम का अलग है और ये राम का अलग है। तो आप मेल मर्ज ऑप्शन से किसी भी कैंडिडेट का डिटेल अलग पेज पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मेल मर्ज ऑप्शन। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इसमें मिलेगा आपको मैक्रो का, ओके। तो मैक्रो के लिए आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, ओके। तो मैंने क्या किया, नाम टाइप करने के बाद इस नाम को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया इस नाम को, सेलेक्ट करने के बाद इस नाम को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे कई बार नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। तो मैंने उस नाम को कई बार यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया और मैंने एक नाम को ऐसे बस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, एक नाम को करना है सेलेक्ट। वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है टूल्स मेनू में, इसके बाद आपको जाना है मैक्रो में और क्लिक कर देना है आपको रिकॉर्ड न्यू माइक्रो के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा मैक्रो नेम, तो आपको यहाँ पे अपने माइक्रो का नाम टाइप करना है, ठीक है। तो मैंने अपने माइक्रो का नाम यहाँ पे रख दिया रिकॉर्ड, ओके। तो आपको भी जो यहाँ पे नाम टाइप करना है, ठीक है, आप यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इसका टूल बार खुल जाएगा और जो इसकी रिकॉर्डिंग है ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए आप क्या करना है इसमें रिकॉर्डिंग, तो आपको टेक्स्ट में यहाँ पे जो कुछ भी आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे लगा लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में लगा दिया कोई भी कलर, जैसे कि यहाँ पे मैंने रेड कलर लगा दिया। इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे इटैलिक कर दिया, इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसकी जो साइज़ है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 20 कर दिया। 20 करने के बाद मैंने इसकी जो लिखावट है इसको भी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो इसकी लिखावट है मैंने इसको कर दिया इंक फ्री।
तो ये सब रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करके इसको स्टॉप कर लेना है। ओके, इसके बाद इस रिकॉर्डिंग को जहाँ पर भी आप फिल करना चाहते हैं, ठीक है, उस वर्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मुझे इस वाले वर्ड पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस पे मुझे इसको अप्लाई करना है, तो मैंने इस वर्ड को कर लिया सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे टूल्स में, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे मैक्रो में, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है माइक्रोज के ऊपर। आप चाहें तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या तो आप अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस F8 बटन प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये करने के बाद आप जो यहाँ पे नाम टाइप किए थे अपने माइक्रो का, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैंने नाम टाइप किया था रिकॉर्ड, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहा है, ठीक है। और आप जो भी नाम टाइप करेंगे वो नाम आपका यहाँ पे शो होगा। तो ये करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रन का, तो आपको इस रन के ऊपर क्लिक करके इसको रन कर देना, तो ये यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो जो माइक्रोज ऑप्शन है उसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F8। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन का। ओके, तो ऑटो करेक्ट के लिए देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ भी वर्ड टाइप करते हैं, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है टेक देव। ओके, आप जानते हैं यहाँ पे मेरे चैनल का नाम है टेक देव, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी मैं टी और एच टाइप करूँ, ठीक है, और टी एच लिखने के बाद मैं जब भी इंटर प्रेस करूँ, तो यहाँ पे अपने आप ये ऑटोमेटिकली टेक देव नाम टाइप हो जाए। ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। ओके, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बैक कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है टूल्स मेनू, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको देखिए क्या करना है, इसके बाद आप जब क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस का, और दूसरा यहाँ पर मिलेगा आपको विथ का। ओके, तो रिप्लेस में आप जो भी यहाँ पर शॉर्ट नेम बनाना चाहते हैं वो नाम आप टाइप कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर टी एच कर दिया। इसके बाद विथ में क्लिक करके आप टी एच नाम से जो भी वर्ड टाइप करवाना चाहते हैं, ठीक है, उसका यहाँ पे आप नाम टाइप करेंगे। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे टेक देव नाम टाइप करवाना, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया टेक देव। ओके, तो टी एच को मैंने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस में लिखा, और इसके बाद टेक देव को मैंने यहाँ पे विथ में टाइप किया। ये करने के बाद आपको यहाँ पे एड के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप जहाँ पर भी टी एच लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो अपने आप यहाँ पे टेक देव टाइप हो जाएगा। ओके, तो ये था ऑटो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा कस्टमाइज का, ठीक है, तो कस्टमाइज पे आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे टूल बार्स का, तो आप टूल बार्स ऑप्शन से यहाँ पे सभी टूल बार्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे टूल बार्स ऑफ हो रहे हैं, इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। ओके, तो आप यहां पे टूल बार ऑप्शन से किसी भी टूल को चालू और बंद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे दिया कमांड, आपको यहां पे क्लिक करना है। कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे एक नीचे ऑप्शन मिलेगा रीअरेंज कमांड का, तो आपको यहां पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी मेनू का कमांड डिलीट करना है, ठीक है, उस मेनू को आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे दिया मेनू बार, आप यहाँ पे क्लिक करके मेनू कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे दिया टूल बार, आप यहाँ पे क्लिक करके अपने टूल बार का भी कर सकते हैं। ओके, तो मुझे करना है मेनू का, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर किस मेनू का करना है, मान लीजिए मुझे करना है एडिट मेनू का, तो मैंने यहाँ पर एडिट मेनू को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते जाना है, ठीक है। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सब यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे ऑप्शन यहाँ पे डिलीट हो गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है, और इसको भी आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडिट मेनू के ऊपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पर शो नहीं होंगे, क्योंकि मैंने सभी ऑप्शन क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिया है। ओके, तो सभी ऑप्शन को वापस लाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है टूल्स में, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कस्टोमाइज के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है रीअरेंज कमांड्स के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना मेनू यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिसका आप ऑप्शन यहाँ पे डिलीट किए थे, तो मैंने किया था एडिट मेनू का, इसलिए मैं यहाँ पे एडिट को सेलेक्ट करूँगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट ओके कर देना, तो ये सब ऑप्शन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको क्लोज कर दीजिए, इसको भी क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ पे अब जब क्लिक करेंगे तो इसमें सब ऑप्शन आपको शो होंगे। ओके, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जो लिखा है फाइल मेनू, इसके बाद एडिट मेनू, व्यू मेनू, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अपना नाम टाइप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए, उसके लिए अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक कभी करते हैं तो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको रीनेम का नहीं देगा,
लेकिन जब आप यहाँ पे टूल्स में जाकर या आप यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन को ओपन कर देंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर दिया। इसके बाद किसी मेनू के ऊपर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा नेम और यहाँ पे जो फाइल लिखा है इसको हटा कर आप अपना भी नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया टेक। ओके, तो मैंने टेक नाम टाइप किया। इसके बाद मैंने इसको कर दिया क्लोज और इसको भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेक मेनू के नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे मेनू बन गया, ठीक है मेरा। तो यहाँ पे पहले लिखा था फाइल मेनू, इसके बाद यहाँ पे अब हो गया है टेक। ओके, तो अब जब भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टेक का ऑप्शन ही मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि जो फाइल पहले नाम था, ठीक है, वो फिर से वापस आ जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है टूल्स में। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है कस्टमाइज में और कस्टमाइज में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेक के ऊपर राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसको रीसेट कर देना है, तो यहाँ पे ये रीसेट हो जाएगा और यहाँ पे पहले जैसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शंस का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेटिंग करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा कि लार्ज आइकन, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपका यहाँ से आइकन दिख रहा है, ठीक है, ये सब के सब यहाँ पे लार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये सब लार्ज हो गए, और मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये सब स्मॉल हो जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ से अपने आइकन को लार्ज और यहाँ पे स्मॉल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शंस का। तो ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पे एमएस वर्ड की पूरी यहाँ पे सेटिंग आपको दी गई है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके सभी की यहाँ पे सेटिंग आप अलग तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेटिंग आपको करके दिखा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं करूँगा अभी यहाँ पे सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा पासवर्ड टू ओपन, तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 111111। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है पासवर्ड टू मॉडिफाई, यहाँ पे भी क्लिक करके आपको 111 टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से आपको री इंटर करने के लिए कहेगा, तो आपको फिर से यहाँ पे करना है 111। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट फिर से आपको कहेगा कि री इंटर टू मॉडिफाई के लिए, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे 111 टाइप किया। ओके, तो इसमें आपसे चार बार पासवर्ड पूछेगा और आपको चार बार पासवर्ड डालकर इसको ओके कर देना है। ये करने के बाद आपको अपने फाइल को सेव कर लेना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक किया, इसके बाद मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे कोई भी मैंने नाम टाइप कर दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर दिया सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी मैंने टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया, इसके बाद इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको इस फाइल को क्लोज कर देना, ठीक है। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे सभी फाइल्स को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो फाइल्स को क्लोज करने के बाद ही आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक सिक्योरिटी नाम से फोल्डर दिख रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे ओपन होने से पहले आपसे यहाँ पे एक पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे कोई अगर पासवर्ड गलत डालते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे गलत पासवर्ड डाला तो अपने आप ये डायलॉग बॉक्स हट गया। और जब आप यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाएगा, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल फाइल थी वो ओपन नहीं होगी। ओके, तो अगर आप अपना पासवर्ड जानते हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके अपना पासवर्ड डालकर इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड नहीं जानते या भूल गए हैं, ठीक है, तो इस फाइल को आप ओपन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मुझे पासवर्ड पता है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 111। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया, इसके बाद 111, ठीक है। यहाँ पर भी आपसे दो बार पूछेगा, इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना, तो ये आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ओके, मान लीजिए आपको अपने पासवर्ड को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे टूल्स में। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आप पासवर्ड लगाए थे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इस पासवर्ड को आपको यहाँ से बैक कर देना है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों को यहाँ पे बैक कर दिया। तो दोनों ऑप्शन को यहाँ पे बैक करने के बाद आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है, और आप अपने कीबोर्ड से एक बार कंट्रोल यस बटन प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल यस से होता है सेव। आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल एस बटन भी प्रेस कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो मेनू में जाकर यहाँ पे फाइल मेनू में जाकर आप यहाँ पे सेव के ऊपर भी क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आप इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पे जो लिखा है सिक्योरिटी आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे यहाँ पे पासवर्ड नहीं पूछेगा, ये डायरेक्टली यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा।
इसका मतलब ये है कि जो आप अपना पासवर्ड रिमूव किए थे वो पासवर्ड आपका रिमूव हो गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे टूल्स मेनू के कुछ ऑप्शन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।